या 2019 चुनाव में बीजेपी से हाथ मिलाएंगे दक्षिण के सुपरस्टार? पीएम मोदी को लेकर रजनीकांत के सॉफ्ट रुख के मायने क्या हैं? आगामी लोकसभा चुनाव के होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन तमाम दलों ने अभी से ही अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी बीजेपी को उस वक्त दक्षिण भारत से बड़ी राहत मिली जब सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर से बीजेपी खासकर पीएम मोदी को लेकर नरमी दिखाई। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्य खासकर तमिलनाडु में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे हैं। वहां के दो प्रमुख सियासी दलों सत्तारूढ़ AIADMK का रुझान बीजेपी की ओर तो प्रमुख विपक्षी दल DMK का रुझान कांग्रेस की ओर है। ऐसे में तीसरे खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे रजनीकांत ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। रजनीकांत से जब पूछा गया कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में महागठबंधन बन रहा है और बीजेपी को खतरा बताया जा रहा है, तो इस पर रजनीकांत ने कहा कि अगर उन पार्टियों को ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके लिए खतरा है तो उनके लिए ऐसा ही होगा। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब होने के दौरान रजनीकांत से जब नोटबंदी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका पालन ठीक तरीके से नहीं किया गया। हालांकि नोटबंदी अच्छी थी या गलत, इस पर उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी कोई पहली बार नहीं जब रजनीकांत ने बीजेपी खासकर पीएम मोदी को लेकर सॉफ्ट रुख दिखाया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर मोदी सरकार के कामों को सराहा चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल पीएम मोदी से रजनीकांत की मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि रजनी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। प्रो मोदी माने जाने वाले रजनीकांत संघ प्रमुख मोहन भागवत तक से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर है अगर रजनीकांत बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और इससे बीजेपी को दक्षिण में अपने पैर मजबूत करने में मदद मिलेगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।